गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. सो इन दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड इट्स फर्स्ट पार्ट. सो टुडे वी विल स्टडी इट्स सेकेंड पार्ट. सो वी विल स्टार्ट पेज नंबर 7. सो यू हैव टू ओपन योर बुक. सो देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. Great courts were dumped in piles to make goal posts. And the next thing we knew, it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. Then someone, then means tab someone mani ko ek. I don't know, mujhe nahi pata. Who brought out a football? Kaun football laya? Great courts were dumped. It means jo great courts the, unko piles means dher mein laga diya gaya. गोल पोस्ट बनाने के लिए, पोस्ट बनाने, गोल पोस्ट बनाने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और नेक्स्ट थिंग जो हमें पता थी ये थी कि टॉमी वाज अगेंस्ट फ्रिज. टॉमी फ्रिज के अगेंस्ट थे इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. इट मींस टॉमी और फ्रिज के बीच में अब मैच चल रहा था. सो हेयर टॉमी मींस ब्रिटिश सोल्जर एंड फ्रिज मींस फ्रेंच सोल्जर्स. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hans Wolf और मैंने looked on, देखा, and cheered, उन्हें cheer किया, clap करा, hands clap किए, हमने तालियां बजाई और हमारे पैरों को जमीन तक हमने फटका. So that, ताकि ठंड को हम भगा सकें. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. वो moment था जब मैंने notice किया कि हमारी breath, हमारी सांसें घुल रही थी air में हम दोनों के साथ. He saw it too, उसने भी मुझे देखा, and smiled. Jim McPherson, he said after a while, कुछ देर बाद उसने मुझे बोला, Jim McPherson, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि हम इस war को इस तरह से रिजोल्व मी सॉल्व कर सकते. इट मींस टू प्ले अ फुटबॉल मैच के थ्रू. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी नहीं मरता है फुटबॉल मैच में. कोई भी बच्चा ऑर्फेंड मींस अनाथ नहीं होता है. कोई भी वाइफ विडो नहीं होती है. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. आई वुड प्रिफर क्रिकेट. आई टोल्ड हिम दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. जे मैकपर्सन सेड, मैकपर्सन ने कहा कि मुझे क्रिकेट ज्यादा मैं प्रिफर करूंगा, चूज करूंगा. एज यू नो, बिकॉज टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. टॉमीज इसमें श्योर होते हैं जीतने के लिए. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. हम एक दूसरे पे हंसे और साथ में हमने वो गेम देखा. सेड टू से कॉनी फ्रिज वॉन 2-1. सैड मीन्स बहुत ही, कहने में बहुत ही दुख है कि कॉनी फ्रिज जीत गए. फ्रिज मीन्स फ्रेंच सोल्जर. 2-1, इट मीन्स 1-2 वो जीत गए. बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सैड, हैंस वॉल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. हमारा गोल बड़ा था उनके गोल से, सो इसलिए ये क्वाइट फेयर नहीं था. यानी कि उसने अपने विन को, अपने अपनी जीत को नहीं माना. The time came and all too soon when that game was finished. अब वो time आया जल्दी ही जब वो game finish हो गया. The snaps and the rum and the sausage had already run out and we knew it was all over. I wished Hans well and I told him I hoped he would see his family again soon. अब वो time आया जल्दी ही जब game finish हो गया. Snaps में जो wine की bottles थी, शराब, और जो रम थे, और जो सॉसेज, जो खाने की जो चीजें थी, वो सारी खत्म हो गई. और हमें पता चला कि अब वो जो मैच था वो ओवर हो गया. आई विश, मैंने विश किया कि हैंस वॉल्फ को, एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, आई होप कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली से मिल सके. बिकॉज वॉर चल रहा था. दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो फाइटिंग, जो वॉर चल रहा है वो एंड हो जाए और हम घर जा सके. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वॉल्फ सैड. टेक केयर जिम मैकपर्सन. मुझे ऐसा लगता है वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, हर सोल्जर यही चाहता है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से. बिकॉज एज यू नो देर वॉज वॉर बिटवीन जर्मन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर. दे बोथ वॉन्टेड पीस. हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना. आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, इस जो पल है, नॉर यू, ना तुम्हें. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उसने बिना इच्छा के, यानी उसकी इच्छा नहीं थी उसकी, इसलिए वो धीरे धीरे, slowly slowly मुझे salute करके चल दिया. I felt.
He turned to wave just once and then became one of the hundred of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned, वो मुड़ा, to wave means हाथ हिलाने के लिए एक बार, और अब वो बाद में hundred of grey-coated men में वो change हो गया, यानी कि अब वो जो men grey coat में अपने trenches की तरफ जा रहे थे उनमें वो मिल गया उन grey coat में. Next. That night, you can see there, this was the football match which they were playing, जिसे वो खेल रहे थे. So, that night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. That night, उस रात, back in our dugouts, हमारे dugouts के पीछे, हमने सुना them, यानी उन्हें वो carol गा रहे हैं. यानी उस दिन Christmas था, तो Christmas song, carol means Christmas song गा रहे हैं. And singing it quite beautifully, बहुत अच्छा गा रहे हैं. It was stilly nest, silent night. ये जो song था, वो था stilly nest. It means silent night, शांत रात्रि. Our boys gave them a rousing chorus of white shepherd watched. हमारे boys, यानी कि हमारी team के जो हमारे soldiers थे, उन्होंने भी उनके साथ ही सुर मिलाया, यानी उनके साथ ही राउज किया. वो क्या सॉन्ग था? वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन, कैरोल्स मानी हमने एक दूसरे के सॉन्गो को एक्सचेंज किया फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और हम साइलेंट हो गए. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. हमारे अब ये टाइम बहुत ही पीस मानी शांति और अच्छा टाइम था. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. जब मैं इस टाइम को, जो ये टाइम मैंने बिताया है, मैं इसको एक तरह से ट्रेजर अपने पास रखूंगा. एज अ ट्रेजर मीन्स खजाने की जैसे, जैसे जब तक मैं जीऊंगा. डियरेस्ट कॉनी, अब यानी जिम बैंक पर्सन कह रहे हैं अपनी वाइफ को, कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. जब नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा, यानी वॉर होगा ही नहीं, बट लेकिन अभी तो ये डिस्टेंट मानी दूरी और टेरिबल मेमोरी है, बाद में ये कुछ भी नहीं होगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. मुझे पता है आज ये जो सब कुछ हुआ है, ऑल दैट हैपन टूडे जो आज ये हुआ है, हाउ मच कितना ज्यादा, बोथ आर्मीज दोनों आर्मी लॉन्ग लंबे पीस चाहती है, यानी शांति के लिए चाहती है. We shall be together again soon. हम जल्दी ही साथ होंगे. I am sure of it. मुझे विश्वास है. Your loving Jim. तुम्हारा loving Jim. So this was the letter which is written by Jim McPherson to his wife Connie. So this letter has been done. So next time we will study its third part. Thank you. Have a nice day.